हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी, जिसका नाम है हैदराबादी चिकन मसाला। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे आप घर में और दावतों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो इसे मेकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से धुल के वॉश कर लिया था और फिर एक छन्ने में रख दिया ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 200 ग्राम दही, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर जितना भी आप खाते हैं। मैंने 1.5 teaspoon ऐड कर दिया था। सारा सॉल्ट इसी टाइम पर ऐड कर देना जितना भी आपको यूज़ होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सबको, और मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट होने कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जितना देर मैरिनेट होगा उतना अच्छा फ्लेवरफुल चिकन बनेगा। इसके लिए हमने साइड में रख दिया इसे। अब यहाँ एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 1.5 teaspoon धनिया, अक्खी धनिया है ये, और ये रेड चिल्ली, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है। अब इन सबको हम एक फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। जब इसमें से खुशबू आने लगे और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे, बस कुछ ही देर में ये रोस्ट हो जाएंगे। और जब ये रोस्ट हो जाए तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा होने छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे मिक्सी जार में ऐड करना है। ये ठंडा होने के छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ देखिए, मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। और साथ ही जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैंने मिक्सी जार में ऐड किया था, और साथ ही थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। और इन सब का हमें स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है, एकदम फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी करना है हमें, देखिए इस तरह। देखिए इस तरह फाइन सा पेस्ट बना के हम इसे साइड में रख लेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है तेज़पत्ता, शाहजीरा, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची और काली इलायची। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई में ऐड कर दिया था 1 tablespoon ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तब मैंने सारे खड़े मसाले ऐड कर दिया था। और जब इसे मसाले ऐड कर दिए हैं तो इसे कुछ देर हम क्रैकल होने देंगे, और जब क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज। प्याज को अगर आप चाहें तो ब्रिस्ता बना के मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फ्राई करके तब इसे मसाले भून कर तब इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, देखिए इस तरह। ये प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये फ्राई भी हो चुके हैं, बस इतना ही हमें चेंज करना है कलर इसका। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था सारा ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 teaspoon गरम मसाला, और वाटी खंगा का पानी भी ऐड कर देंगे, और इसका हाई फ्लेम पर कुछ देर भुनने देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम लो करके इसे तब तक के भुनेंगे जब तक के मसालों में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमें भूनेंगे ताकि मसाले तलने में लगे ना। ये देखिए मसालों में से ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था सारा, इसमें हमें इसी पॉइंट पर ऐड कर देना है। बर्तन में जो भी मसाला लगा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे सारा इसमें, और इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसे मिक्स करने के बाद इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढककर पकाएंगे ताकि जो चिकन का पानी है वो निकल जाए, और फिर इसे हमें भून लेना है चिकन के पानी को। ये देखिए 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया था, काफ़ी अच्छे से पानी सूख चुका है इसका। और इस पॉइंट पर मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 teaspoon भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड करें तो कर, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसे काफ़ी अच्छा कलर आता है, इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया इस टाइम पे। आप देखिए पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया 1/2 glass के करीब पानी, और इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इसे हमें ढककर तब तक ही पकाना है जब तक मसालों में से एक तरी सी ना आ जाए और चिकन हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। इतना देर हमें लो फ्लेम पर से पकाना है ढक कर। देखिए मैंने ढक दिया है, अब कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएँगे लो फ्लेम पर। देखिए 10 से 12 मिनट बाद मैंने यहाँ ढक्कन हटाया है, काफ़ी अच्छी तरी आ गई है मसालों में, ग्रेवी में, और चिकन भी हमारे काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्ची गार्निशिंग के लिए, और इसे एक मिक्स दे देते हैं। और ये हमारा परफेक्ट सा हैदराबादी चिकन रेडी हो गया है,
बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपने देखा जैसे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए आप इसे चिकन देख सकते हैं, लेग पीस, इसने हड्डियों को छोड़ दिया है गोश्त ने, इसका मतलब काफ़ी अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें हमें। अब देखिए इस पॉइंट में मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये सर्व करने के रेडी हो चुका है, इसलिए आप इसे मेहमानों के लिए, दावतों में, ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ऐसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।